अच्युत हे अनंत हे गोविंद हमारा प्यारा हिंदुद्वीप, हमें इसके प्यारी और प्रदीप, वंदे मातरम। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन में मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 8 29 30 31 32 विश्वस्फुरन्तं प्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथा कुंकुलिशाक्षतत्वचम्। द्वार्योरापात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिर्गरुडो महाविषम्। संरम्भ दुष्प्रेक्ष्य कराल लोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्। स्वजिह्वया अस्तिग्लवाक्तारुणकेसरानो यथान्त्रमालीद्वपहत्यया हरि नखाङ्कुरोत्पाटितहृत्सरोज सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्। अहं समस्तान्नखशस्त्रपार्श्विभिर्दोर्दण्डयूथोनुपथान् सहस्रशः। नारायण नारायण। भगवान नृसिंह प्रकट हुए। नर और सिंह दोनों
रूपों में एक साथ अभिव्यक्त हुए। स्तंभ को विदीर्ण कर प्रकट हुए। भगवान ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता को सिद्ध की। प्रह्लाद की प्रतिज्ञा थी, मेरे प्रभु सर्वव्यापक और सर्वरूप हैं। प्रतिज्ञा की प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यपु के सम्मुख उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया प्रभु ने। भक्त की प्रतिज्ञा होती है, भगवान उसके निर्वाहक हो जाते हैं। जिसके बल पर तू दहाड़ रहा है, वह तेरा ईश्वर कहाँ है, पिताजी कहाँ नहीं है, वह तो सर्वत्र है। वह कौन है कौन नहीं है, सर्वरूप है। श्रीमद्भागवत के इस संदर्भ को चित्सुखीकार ने मंगलाचरण के व्यास से व्यक्त किया है। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं, सदा हैं, सदा हैं, सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य हैं। काल के द्वारा कवलित नहीं होते, देशांतर के द्वारा कवलित नहीं होते, वस्तुअंतर के द्वारा कवलित नहीं होते। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हैं। सदा हैं, सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं, क्योंकि वेदांत वेद्य परमात्मा को हम जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र। प्रकृति ही भगवान उपादान भी हैं, निमित्त भी हैं, जगत बनने वाले भी भगवान, जगत बनाने वाले भी भगवान। हमने कई बार संकेत किया, नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने, सेश्वर सांख्यवादी योगियों ने ईश्वर का अस्तित्व तो माना, लेकिन उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। सगुण निराकार ही होता है, न स्वरूप से निर्गुण निराकार होता है और न वह सगुण साकार ही हो सकता है। जिनका ईश्वर जगत बनाता है, जगत बनता भी है, उनका ईश्वर स्वरूप से निर्गुण निराकार होता है, माया शक्ति के योग से सगुण निराकार और सगुण साकार भी होता है। उदो समय समय की बात, श्री रामानुजाचार्य आदि महान भावों ने निर्गुणम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम आदि श्रुतियों को प्रमाण माना। तथापि भगवान को स्वरूप से निर्गुण स्वीकार नहीं किया। उनके यहाँ भगवान सगुण निराकार, सगुण साकार ही सिद्ध हुए, स्वरूप से निर्गुण निराकार सिद्ध नहीं हुए। निर्गुण के अर्थ में उन्होंने संकोच कर दिया। क्या संकोच किया? जीवनिष्ठ हे गुण गण रहित होने पर भी स्वोचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य सौगंध्य आदि दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत भगवान है। दयानंद स्वामी ने भी भगवान को स्वरूप से निर्गुण नहीं माना, उनका भगवान सगुण निराकार ही सिद्ध होता है। उनके यहाँ जो निर्गुण परक वचन है उपनिषदों में, उसका अर्थ है जीव में रहने वाले जो खोटे गुण हैं उनसे रहित भगवान हैं, अपने अनुकूल दिव्यातिक दिव्य गुण संपन्न है। श्री रामानुजाचार्य के पक्ष को ही
इतने अंशों में सत्यार्थक प्रकाश नामक ग्रंथ में स्वामी दयानंद स्वामी ने भी माना है। इस समय जो भक्तों में लहर चल रही है, भगवान के दार्शनिक स्वरूप पर उनका तनिक भी विचार नहीं है। वे प्रायः भगवान को सगुण साकार ही मान रहे हैं। सगुण निराकार होते भी होंगे तो उनका ध्यान उधर नहीं। तो अब एक लहर है, मानो भगवान निर्गुण निराकार तो होते ही नहीं, सगुण निराकार होते होंगे तो हमें क्या लेना देना। उधो निर्गुण कौन देश को वासी, सूरदास बाबा ने गोपियों के शब्दों में यह तथ्य उद्भाषित किया। हमारे तो छल छविले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदास सिंधु ही सब कुछ हैं, तुम्हारे लिए कोई निर्गुण होता होगा, होने दो। इस समय सगुण साकार भगवान की उपासना होती है। दार्शनिक धरातल पर भगवान सगुण निराकार हैं, स्वरूपता निर्गुण निराकार हैं, यह तथ्य प्रायः ओझल हो गया है। लेकिन हम भगवान को स्वरूप से निर्गुण निराकार मानते हैं, औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय के एक वचन को उद्धृत किया था, अजोपिसन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन। एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों को ख्यापित किया है। अजोपिसन अव्ययात्मा कहकर स्वयं को निर्गुण निराकार सिद्ध किया। भूतानाम ईश्वरोपिसन में समग्र प्राणियों का, पंचभूतों का भी नियामक ईश्वर हूँ और प्रकृति को भी अपने वश में रखने वाला हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। संभवामि आत्म मायया तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि वचनों के आधार पर गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने स्वयं को सगुण साकार भी सिद्ध किया है। उदाहरण दिया हमने, इस समय हम स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति या एक रूपता के बल पर सगुण साकार हैं। स्वप्नावस्था में भी वासना या भावना की प्रगल्भता से सगुण निराकार होकर स्फुरित होते हैं। गाढ़ी नींद या सुसुप्ति में सगुण निराकार ही होते हैं, स्वरूपतः निर्गुण निराकार होते हैं। कारण शरीर के योग से हम जीवात्मा सगुण निराकार हैं। सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियाँ भी सगुण निराकार हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ भी सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है, प्राणादि प्रभेद से युक्त प्राण भी सगुण निराकार ही है। सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यपन्न जीव सगुण निराकार होता है, लेकिन वासना की प्रगल्भता से स्वप्न में भी व्यवहार साधक शरीर उपलब्ध होता है, उसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर हम सगुण साकार हो जाते हैं। तीनों रूपों में हम भगवान को स्वीकार करते हैं। निर्गुण निराकार होते हुए माया शक्ति के योग से सगुण निराकार, और सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार। बाइबल की सीमा के ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, कुरान की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उनका ईश्वर केवल जगत का निर्माता होता है। बहुत सूक्ष्म बात है, ऐसे कुलाल घट निर्माता कुंभकार कुम्हार की कल्पना कीजिए जो स्वयं ही मिट्टी का काम भी करे। घट का निर्माता ही नहीं, घट को निर्मित करने का उपादान भी स्वयं को बना ले, उस दशा में जो घट निर्मित होगा कितना अलौकिक होगा, दिव्य होगा। अगर ताम्रकार ने स्वयं को ही ताम्र पात्र का रूप दिया होता तो यह ताम्र पात्र कितना विलक्षण होता।
जगत ऐसा ही विलक्षण है, भगवान ही इसके मेकर हैं, भगवान ही मैटर भी हैं, निमित्त भी भगवान, उपादान भी भगवान। तो इस तथ्य को जो व्यवहार में ध्यान में रखेगा, इस तथ्य का ध्यान रखकर व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार कितना दिव्य होगा। भगवान ही जगत बनाने वाले हैं, जगत बनने वाले भी भगवान हैं। फिर यह जो विलक्षणता है, किम मूलक है, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को निमित्त बनाकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में स्वयं ही जगत बनते हैं, स्वयं ही जगत बनाते हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्म को निमित्त बनाकर भगवान जगत बनते हैं, बनाते हैं। स्वप्नावस्था का हमने उदाहरण कई बार प्रस्तुत किया। आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्मित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर भावना या वासना की प्रगल्भता से समग्र स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है। स्वप्न में मन ही आत्मा से उद्दीप्त होकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में प्रकट होता है। त्यागात शांतिरनंतरम, स्वप्न में हमको इतनी सिद्धि क्यों प्राप्त होती है? भगवत कृपा से त्याग का बल और वेग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। अनिच्छन्नपि, न चाहता हुआ भी कोई व्यक्ति त्याग कर बैठे या किसी व्यक्ति से त्याग हो ही जाए, रपट पड़े तो हरि गंगा, तो भी उस त्याग का फल उसे मिलता है। हमने उदाहरण दिया, कुछ नए श्रोता है इसलिए कह रहा हूँ पुनः। पूर्व जन्म में किसी न किसी शरीर में हम आप होते होंगे, हुए होंगे, मरना नहीं भी चाहते होंगे। काल के योग से प्रारब्ध पूर्ण होने पर शरीर छूट गया, न चाहता हुआ भी वह शरीर छूट गया हमारे न चाहने पर भी। अनिच्छन्नपि, न चाहने पर भी जो त्याग हुआ उसका लाभ हमको प्राप्त हो रहा है या नहीं? पूर्व जन्म के शरीर का, सगे संबंधियों का कुछ ज्ञान भी है क्या, ध्यान भी है क्या? आज जो इस कक्ष में निश्चिंत सरीखे बैठे हैं, तो मौत की कृपा है या नहीं? अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, अपने द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों को का एक कालावच्छेदन दर्शन हो तो करोड़ों ब्रह्मांड एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाएं। अनादि में, अनंत में गणित की गम गति नहीं है, हमारा ही एक विश्व रूप प्रस्तुत हो जाए। हाँ, भगवान हमको दिव्य दृष्टि दे दें 5 मिनट के लिए, उसका उपयोग हम क्या करें? अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को मैंने सब बना दिया है, मेरे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन मुझे दर्शन प्राप्त हो तो एक ही जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। इस समय भी नहीं चेते हैं तो फिर इस शरीर छूटने के बाद कोई ना कोई शरीर मिलेगा, इसलिए यही वित्यर्जिता सर्वो ये साम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता, गीता का 5वां अध्याय। जगत सदोष और विषम है, कौन नहीं मानेगा? वैज्ञानिक भी मानेंगे या नहीं, घोर नास्तिक भी मानेगा या नहीं? जगत क्या है? विषम और सदोष। केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो सम और निर्दोष सिद्ध होते हैं। सदोष और विषम शरीर और संसार को प्राप्त कर जो निर्दोष असम परमात्मा में मन को समाहित करने में समर्थ होते हैं,
वे पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर लेने में समर्थ होते हैं, मानो उन्होंने इस जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजय से प्राप्त कर ली। यही वैतरजिता सर्ग उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव रूप सर्ग पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष और विषम मनात्मक प्रपंच से उपरत होकर सम और निर्दोष परमात्मा में सन्निहित है। तो यहाँ विषय यह चल रहा था कि अपना ही शापित भक्त हिरण्यकशिपु होकर आया, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु के उद्धार का बानक बनाया। आँखों से छाती को विदीर्ण करते हुए भगवान देखे गए। किसकी छाती को? हिरण्यकशिपु। कोप भी कृपा, प्रहलाद के सर पर हाथ रखा वो भी कृपा। हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को नखों के द्वारा विदीर्ण कर दिया वो भी कृपा। एक सर्जन गांव को चीरता है वो भी कृपा ही है उसकी। इसी प्रकार से शापित भक्त था, उसके उद्धार का भगवान ने वानक बनाया। निर्वाण दायक क्रोध जाकर तुलसीदास जी ने कहा, क्रोध मत करो, लेकिन क्रोध किए बिना न बने तो भगवान से क्रोध करना सीखो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, निर्वाण माने सुख शांति, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए, आश्रय और विषय दोनों को प्रमदित करने वाली वाणी बोलनी चाहिए। क्रोध ऐसा हो जो आश्रय और विषय दोनों को दूषित न करे, दग्ध न करे। क्रोध का स्वरूप क्या होता है? विषय पर कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना क्रोध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहते थे, दिया सलाय लीजिए तिल्ली लेकर घिसी है, तो तिल्ली का मुख जलाती हुई ही आग उत्पन्न होगी। अग्नि की अभिव्यक्ति की यही विधा है। अब ऐसा फेंका दैवयोग से ऐसी जगह वो तिल्ली गिरी जलती हुई, जहाँ कोई दाह्य पदार्थ नहीं है, विषय पर तो आग कारगर नहीं हुई, आश्रय को दग्ध करती हुई। केकड़ी के पेट को फाड़ कर ही केकड़ी का बच्चा जन्म लेता है। इसी प्रकार आश्रय को दग्ध करती हुई ही आग उत्पन्न होती है। दृष्टांत है, दृष्टांत क्या है? क्रोध जिस अंतःकरण में उत्पन्न होता है उसको दग्ध करता हुआ ही उत्पन्न होता है। कोई शांत व्यक्ति है, उस पर कोई क्रोध कर भी दे, हंस देगा, मुस्कुरा देगा, क्या? विषय पर कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना क्रोध हो ही उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आश्रय क्या है? इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, गीता। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, गीता का तीसरा अध्याय, उधर दूसरा अध्याय। इसलिए लेकिन निर्वाण दायक क्रोध जाकर, क्रोध वहीं करना चाहिए जहाँ क्रोध के अतिरिक्त और किसी विधा से कार्य सधे ही नहीं। तो क्रोध क्या हुआ फिर? नियंत्रित हो गया और एक साधन का उसने काम किया। क्रोध कितनी मात्रा में, कब, किस पर, कहाँ करना चाहिए, इतना माप तोल के जो क्रोध करेगा वो क्रोध के वशीभूत होगा या क्रोध उसके वशीभूत होगा? देशे काले च पात्रे च, क्या? कब, कहाँ, किस पर, कितनी मात्रा में क्रोध करें, इसका जिसको ज्ञान होगा क्रोध के वशीभूत होगा वह या क्रोध उसके वशीभूत होगा, कब करें, कहाँ करें, किस पर करें, कितनी मात्रा में करें, क्यों करें,
इस प्रकार गणित बिठा करके जो क्रोध करेगा, क्रोध के लिए लिखा निर्वाणदायक क्रोध, जाकर भगवान जिस पर क्रोध करते हैं उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, निर्वाणप्रद है क्रोध। और भगवान इस ढंग से क्रोध करते हैं कि स्वयं उस क्रोध से उनका आश्रय अभिव्यंजक संस्थान दग्ध नहीं होता। यहाँ पर कहा उन्तीस विश्वक्षुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथा कुंकुलिशाक्षतत्वचं द्वार्यूर आपात्य ददार नीलया नखैर्यथारिगरुडो महाविषम। 28-29 दोनों को मिलाकर किया गया अर्थ। भगवान नृसिंह बाद की तरह ऊपर उछल उछल कर वो जो हिरण्यकश्यप ढाल तलवार पैतरे बदलने लगा, उस समय शांत होकर उसके पैतरे को देखते रहे, वो आक्रमण भगवान पर करने लगा। भगवान देखते रहे, युद्ध है, युद्ध में दो ढंग का पराक्रम होता है, सामने वालों को अवसर दिया जाए, उसमें जितनी शक्ति है क्षमता है उसको प्रकट करने का, दाव पेंच को भी अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए। भगवान चाहें तो एक संकल्प से ही चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, उनके सामने एक मच्छर के समान भी हिरण्यकशिपु नहीं। मच्छर को मारने के लिए एटम बम के प्रयोग की क्या आवश्यकता है, लेकिन जिसमें जितनी क्षमता है उसको प्रकट करने का भगवान अवसर प्रदान करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु भगवान के चंगुल से निकल गया, बाज की तरह बड़े वेग से नीचे ऊपर उछलने लगा, ढाल तलवार लेकर पैतरे बदलने लगा, भगवान पर आक्रमण करने लगा। तब भगवान ने क्या किया, कृत्वाट्टहासम, बहुत जोर से भगवान ने प्रचंड भयंकर अट्टहास किया। यह भी है, रणचंडी होती हैं भगवती दुर्गा सप्तशती में, बहुत सा कार्य तो अट्टहास के द्वारा ही साध लेती। अट्टहास जोरों से, ये भी एक है। पार्थिव अस्त्र शस्त्र, वारुण अस्त्र शस्त्र, आग्नेय तेजस अस्त्र शस्त्र, वायव्य अस्त्र शस्त्र और नाभिक, नाभिल आकाश से संबद्ध, नाभिल नाभिक कह सकते हैं, नाभि नभ, यह नाभि है ना, ये नभ से ही बना है, नाभिल नाभिक शब्द बन सकता है, यह भी अस्त्र शस्त्र। तो अट्टहास भी एक अस्त्र शस्त्र है, आकाश से संबद्ध नाभिल नाभिक, भगवान ने जोर से अट्टहास किया, प्रचंड भयंकर अट्टहास किया। हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर भगवान ने क्या किया, तीव्र गति से झपट कर पकड़ लिया, जैसे मानो चूहे को सर्प पकड़ ले। हिरण्यकश्यपु कौन था, वज्र के प्रहार से भी उसके शरीर पर किंचित प्रभाव नहीं पड़ा था, ऐसा हिरण्यकश्यप भगवान के चंगुल में फंस गया। भगवान के हाथों को छुरा कर उछलना चाहता था, छटपटा रहा था, लेकिन उसके सभी पैतरे विफल हो गए। अब भगवान ने क्या किया, द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखर यथारे गरुडो महाविषम। ब्रह्मा जी ने जो कुछ वरदान दिया था उसको, ब्रह्मा जी मिथ्याभाषी न हो इसका ध्यान रखते हुए, और यह दैत्य मारा भी जाए, अवतार का प्रयोजन भी और ब्रह्मा जी
को प्राप्त वर भी, दोनों की ही सार्थकता। ये जो हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वर था उसकी सार्थकता भी, और ब्रह्मा जी को भगवान ने वर दे रखा है आपकी वाणी अमोघ होगी। ब्रह्मा जी मिथ्याभाषी नहीं होते, देवता झूठ नहीं बोलते, देवता पाप से लिप्त नहीं होते। वृंदारण्यक में चल ही रहा है, वाणी से कोई झूठ बोल सकता है, बोलता ही है। वाक इंद्री के जो अनुग्राहक देवता है अग्नि, अग्नि निष्पाप होते, देवता निष्पाप होते। देवों के देव परम देव कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दे रखा था उस वरदान की सार्थकता का ध्यान रखते हुए भगवान ने क्या किया? सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा दिया। इसे न अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, न उत्तरायण में मरूँ, न दक्षिणायन में मरूँ, न भूमंडल पर मरूँ, न अंतरिक्ष में मरूँ, न दिन में मरूँ, न रात्रि में मरूँ, ऐसा व्यक्ति संधि पर मारा जाता, संधि स्थल पर। क्या दिन रात्रि की संधि, उत्तरायण दक्षिणायन की संधि, पुरुषोत्तम मास मान लो, अस्त्र शस्त्र की संधि, नाखून, और जांघ पर लिटा दिया, न भूमंडल न अंतरिक्ष। तो ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान पर ध्यान रखकर ब्रह्मा जी मिथ्याभाषी सिद्ध न हों। वाल्मीकि रामायण में आता है, एक ऐसी देवी थी जिसका प्रारब्ध ऐसा था कि विवाह के समय वो विधवा होगी। उसे मालूम था, लेकिन वो कुल की सीमा में, गोत्र प्रवर आदि की सीमा में विवाह करने के लिए उद्यत थी, और जो वर होने वाला था उसे भी मालूम था मरना ही है, जिससे विवाह का अर्थ है मरना। ये राजा लोग पहले विषकन्या पालते थे, विषकन्या बड़ी सुंदरी होती थी, बचपन से उसको पालते थे, विष धीरे धीरे खवा करके उतना मजबूत कर देते थे कि विष से वो मरती नहीं थी, और जो उसको छूता उस पर विष का प्रभाव पड़ जाता। हम चूरू में एक चातुर्मास कर रहे थे, तो एक या सवा किलो संख्या कृत्रिम नहीं, सचमुच में एक महात्मा ने सबके सामने पाली थी, इतने मोटे थे वो, हमने दर्शन किया। सवा किलो संख्या, यानी कि मैं अब तुम लोग ले आओ जिसमें संख्या का सब लक्षण हो, चीटी वूटी का एक क्षण में समाप्त हो जाए, इतने तो इतने मोटे थे वो। शुरू में सवा किलो संख्या उन्होंने धीरे धीरे, यहाँ कोई नकल न करे, आप सोचते होंगे मैं तो भांग को वहाँ देखूँ तो मुझे चक्कर आ जाए, मैं कोई नशा तम्बाकू भांग बीड़ी सिगरेट या पान पराग इन सब से करोड़ों किलोमीटर दूर जीवन। क्या लिखा है भागवत के एकादश, इसका एकादश स्कंद में, मदिरा मदांधा बिना मदिरा पिए ही थके रहते, पाँच मिनट ही मन एकाग्र करके कीर्तन कर लें तो बेहोश हम लोगों का ध्यान, इसलिए हम लोगों को बाहरी नशा लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमने देखा है ऐसे महात्मा एकदम, तो क्या अर्थ हुआ? विषकन्या पालते थे, धीरे धीरे उसको विष खाने का इतना अभ्यास करा दिया जाता था, उसको जो छूता था मर जाता था, विषकन्या ऐसे ही। वाल्मीकि का बता रहे क्या? वो तो एक साप था,
उसी समय वैधव्य प्राप्त होगा। वर को भी मालूम था इससे जो विवाह करेगा मरेगा, बस उसने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, मुँह से निकल गया सौभाग्यवती हो और मुस्कुरा दी। अब वशिष्ठ जी का वाक्य तो निष्फल नहीं हो सकता है। अब वशिष्ठ जी ने सोचा लो ये तो दाव पेंच में मैं हार गया। उसने प्रणाम किया स्वभाव से निकल गया कि सौभाग्यवती, वो मुस्कुराने लग गई। वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे मुस्कुराने का रहस्य अब आप सोच लीजिए। मुझे तो विवाह के समय ही वैधव्य का अभियोग था, आपके मुँह से निकल गया, अब आप मिथ्या होना चाहें तो मिथ्या हो जाइए बस। अब वशिष्ठ जी सोचने लगे तो दाव में मैं पिछड़ गया। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने अपना हाथ यूँ कर दिया जिस हाथ से हमने लिखा था ऐसे वैधव्य प्राप्त विवाह के समय उसको काट दो। पुत्र कौन थे वशिष्ठ जी ने जीव कर दिया, इस जीव को काट दो कि मुझसे निकला कि सौभाग्यवती हो। अब हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने हाथ बढ़ा दिया, साथ को काट दो, मेरी लेखनी को मेरे बेटे ने विफल कर दिया। और वशिष्ठ जी ने कहा जीव काट दो कि मैंने अपने पिता के वचन को विफल किया। हाहाकार मच गया, एक जीव वाए हुए एक हाथ लटकाए हुए। तब देवता लोग आए, उन्होंने कहा कि अब दोनों सत्य हों तो मर्त लोक की आयु को ऊर्ध लोक की आयु के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्या मर्त लोक के जो 100 वर्ष होते हैं ब्रह्म लोक के कितने, ब्रह्म लोक के जो 100 वर्ष होते हैं मर्त लोक के कितने होते, 31,10,40,000 वर्ष। ब्रह्म लोक के 100 वर्ष गीता 8वां अध्याय, ब्रह्म लोक के 100 वर्ष और मर्त लोक के 31,10,40,000 वर्ष इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी के वरदान का पूरा ध्यान रखा। ब्रह्मा जी अगर मिथ्यावासी हो जाएंगे तो जगत क्या रहेगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने जो कुछ वरदान दे रखा था उसे स्मरण दिलाया। तुम्हारे मन में यह ना हो कि ब्रह्मा जी मिथ्यावासी हैं और यह ना हो कि वरदान की रक्षा नृसिंह ने नहीं की। इसलिए भगवान के पंजे से वो निकलना चाहता था, छटपटा रहा था। भगवान ने क्या किया, सभा के दरवाजे पर ले गए, अपने जांघों पर गिरा दिया, खेल खेल में अपने नखों से उसी प्रकार उसे फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविष्धर सर्प को फाड़ डालता है, चीर डालता है। इस प्रकार संरम्भ दुष्प्रेक्ष्य कराल लोचनो व्यातननांतं बिलिहन स्वजिह्वया अश्रीगला वाक् तरुण केसरानो यथांत्रमाली द्विपहत्यया हरि। उस समय भगवान का विकराल रूप था, नृसिंह भगवान का विकराल आँखें थीं, उनकी आँखों की ओर देखना भी संभव नहीं था। कार्य का संपादन होने पर भी क्या पंखा चले स्विच ऑफ कर दें ये बता रहे थे ना उधर, कुछ समय तक तो फिर भी वो चलेगा या नहीं, बिजली स्विच ऑफ कर दें फिर भी कुछ समय तो पंखा चलेगा, ऐसे ही कार्य संपादन के बाद भी भगवान नृसिंह की आँखें ऐसी विकराल थीं, कोई उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर रहा था, जिह्वा भी लपलपा रही थी और जिह्वा जो लपलपा रही थी उससे मुँह के दोनों कोनों को चाट रहे थे कौन ऐसे, अब क्या करें अपने। खून के छींटों से उनका मुख और बदन गर्दन आदि के बाल भी लाल हो गए थे।
हाथी को मारकर गले में आत्मों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा बहुत विचित्र हो रही थी। अपने भक्त को क्या किया, शाप से मुक्त किया। हमने कहा दोनों कृपा, कोप भी कृपा। हिरण्यकश्यपु पर कोप शाप के चपेट से मुक्त करने का मार्ग है या नहीं? प्रहलाद के सर पर हाथ रखा तो हिरण्यकश्यपु के छाती को विदीर्ण किया, तो दोनों ही कृपा है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर, यहाँ कोप के रूप में कृपा है, वहाँ कृपा के रूप में ही कृपा है। नखाकुरोत्टित सरोहम विसृज्य तस्ुचरानुदायुधन अहन समन्ता नख शस्त्र पार्श्निभिर् दौर्दंडयूथोनुपथान सहस्रशः। 31वां श्लोक। तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को फाड़ दिया और जमीन पर पटक दिया। अब क्या था, वो जो उसके दूत भूत थे दैत्य दानावादी, हाथों में शस्त्र लेकर वो भगे नहीं, भगवान पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो गया। नहीं तो इतना बलवान मारा गया तो उसके दूत भूत भग जाते ना, वो भी बड़े विचित्र थे। असुर लोग तो होता ही। दैत्य दानव हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आ गए। फिर भगवान ने जौहर दिखाया, करिश्मा दिखाई, चमत्कार दिखाया, थोड़े से पराक्रम का परिचय दिया, भुजा रूपी सेना से, लातों से, हाँ बात से न माने तो लात से। ये कहावत है, लात का भूत बात से नहीं मानता। जहाँ लात का प्रयोग होना चाहिए वहाँ लात का, जहाँ बात का प्रयोग होना चाहिए वहाँ बात का। बात से काम चल जाए तो लात नहीं, और बात से काम न चले लात से ही काम कर चलना हो तो काम चलाना चाहिए लात से भी। भगवान ने क्या किया, लातों से, नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन दूत भूतों को भगा डाला, मार डाला। लो दूत भूत के सहित नायक पहले मरा, बाकी दूत भूत भी सब समाप्त कर दिए भगवान ने। अच्छा है, युद्ध है। दो तीन देवता हैं सनातन धर्मियों के यहाँ जो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। सो रहे हैं क्या? अच्छा, जग रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उषा त्वष्टा ब्रह्मा जी, ये हमारे महाभारत में लिखा है। दो तीन सनातन धर्मियों कैसे देवता हैं, शांति शांति शांति। निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी स्वयं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। पूषा त्वष्टा और ब्रह्मा बाबा, बाबा ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी सबके पूर्वज हैं, अब दो बेटे लड़े हैं तो बाप किसका पक्ष ले। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म पोता, बेटे पोते आपस में लड़े हैं, या बेटे बेटे लड़े हैं तो ब्रह्मा जी क्या करें, मुस्कुराते रहे। उषा त्वष्टा ब्रह्मा जी, तो महाभारत में लिखा कहीं कहीं इनकी मूर्ति प्रतिष्ठित होती है पुष्कर आदि में। जो हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करते उनकी मूर्ति भी कहीं कहीं पूजित होती है। तो हम लोग तो सन्यासी हैं, अभय दान देते हैं, लेकिन दंड हमारे हाथ में भी। एक जगह सच्ची घटना, हमारे पूर्वाचार्य जी मंच पर थे, हमने देखा भी है। कलकत्ता में भी ऐसी घटना घटी, पंजाब आदि में भी घटना घटी, राजस्थान में भी घटना घटी। वो तो उस समय का धर्म संघ का मंच, रमन चमन न हो तो फिर क्या है। वो कम्युनिस्टों का खंडन कर दिया उन्होंने,
कभी श्री राम शर्मा का खंडन कर देते, कहीं आर्य समाजियों का हू हल्ला कोलाहल चलते ही रहता था। इसीलिए वेदांती जी ने मेरा नाम रखा था गुरुद्रोही। मैं गुरुद्रोही तो नहीं हूँ वही सदानंद जी वेदांती ब्रह्मलीन अब कहना चाहिए कि आप तो धर्म संघ के मार्ग पर ही नहीं चल रहे। हमने कहा कि पूज गुरुदेव ने एकांत में बताया था मुझको, मैंने अपना अभियान बता दिया, दृष्टिकोण बता दिया, अब तुम अप देश काल परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक, हमारे कार्य करने का ढंग कुछ विचित्र है। स्वामी जी और निकेश जी जानते हैं, झा जी नहीं जानते ऐसा नहीं, हाँ, और भृगु जी जान रहे होंगे, शायद जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट लोग आ गए और जो तिरुमठ के शंकराचार्य कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज मंच पर बैठे थे, वो तो ब्रजवासी ठहरे, ब्रजवासी थे दोनों। शंकराचार्य होने पर भी कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज को गुरु के तुल्य हमारे पूर्वाचार्य मानते थे, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव के मित्रों में कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज आयु में तो कृष्ण बोध आश्रम जी बड़े थे। तो काम पूरी के शंकराचार्य जी पूजपा निरंजन देव जी महाराज ने, महाराज देखिए ये कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया, ये दंड किस दिन काम आएंगे, आपकी जरा अनुमति। तो ब्रजवासी थे उन्होंने कह दिया माने कर दे प्रयोग। तो हमारे पूर्वाचार्य जी फिर वो उन शक्ति भी थी, वो बांधा दंड लेकर इस ढंग से पीटा, ऐसे नहीं कि घून उन गिरे, यूं किसी के पेट में चुबाया, सबको अकेले दंड से भगा दिया। तो उन्होंने कहा गुरु ने जो दंड दिया था उसका सार्थक उपयोग आज हुआ। हम लोग दंड का तर्पण करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, भगवान विष्णु के हाथ में जैसे चक्र हो गदा हो वैसे मेरे हाथ का दंड अभिमंत्रित है। ये हम लोग किसी को मारते नहीं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसमें सन्निहित होती हैं, इसके मुद्रा हैं। ये देखिए परस मुद्रा है, परशुराम जी के जो परशुराम है ना, परस इसमें यज्ञों पवित के द्वारा वस्त्र के द्वारा परस मुद्रा भी है, ब्रह्म मुद्रा भी है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इसमें अभिमंत्रित होती हैं दंड में। छह गांठों का जो दंड होता है उसका नाम सुदर्शन, सुदर्शन मंत्र में छह अक्षर। आठ गांठों का जो दंड होता है नारायण, नारायण मंत्र में आठ अक्षर होते हैं। दस गांठों का जो दंड होता है कौन, गोपाल, गोपाल मंत्र में दस अक्षर। बारह गांठों का जो दंड होता है वासुदेव, वासुदेव मंत्र में बारह अक्षर। चौदह गांठों का जो दंड होता है अनंत, अनंत मंत्र में चौदह अक्षर। देखो अपने आप कल भी आंसू गिर पड़ा था यहाँ से, बाएँ से नहीं दाएँ से, इसका भी ज्योतिषी है ये लोग। तो क्या हुआ, यहाँ एक बार नकली दंडी स्वामी आ गया था, सात गांठ वाला दंड। और ये जीतू पप्पू ये सब बच्चे थे उन दिनों, अब तो बाबाओं के बाबा हो गए हैं ये लोग। क्या इन लोगों को दाढ़ी जो है लंबी हो गई है, मतलब बड़े विचित्र हो गए। उन दिनों सात गांठ वाले दंडी स्वामी को यहाँ रखा, हमने कहा कि इस व्यक्ति के गांठ दंड में सात गांठ है, नकली है ये। वो लोग क्या दंडी स्वामी को भी आपने मान, बच्चे लोग थे ये लोग, पहले कभी बच्चे ही रहे होंगे। सात गांठ वाला दंडी स्वामी कोई होगा तो दंड नकली जरूर होगा, उसे मालूम नहीं था, अपने आप दंड लेके घूम रहा था, सात गांठ वाला दंड। दंड की एक मर्यादा होती है 6, 8, 10, 12, 14, बस इतने गांठों वाला दंड होगा। मंत्र के आधार पर दंड का निर्माण होता है, यही है। तो यहाँ पर भी भगवान क्या किया, भगवान ने नाखून से विदीर्ण कर दिया, दंड दिया। ये दंड, ये ब्रह्म दंड है,
ब्रह्मदंड मांत्रिक होता है, इसमें भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सन्निवेश होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर दिया, नाखों के द्वारा ही उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया, जमीन पर पटक दिया मार करके। और दैत्य दानव ये सब इतने कृतज्ञ थे हिरण्यकश्यप के कि भगवान पर प्रहार करने आ गए। भगवान ने क्या किया, चल रहा था दांतों का भूत बातों से नहीं मानता, किसी को लात से मारा, किसी को नख रूपी शस्त्र से चारों ओर खदेड़ कर मार कर भगा दिया भगवान ने। कहीं लात कहीं बात, युद्ध तो युद्ध ही है। सटावधूता जलदाह परापतन ग्रहाशतदृष्टि विमुष्ट रोचिस अम्भोय अम्भोधय श्वास हता विचुक्षुघोर निरहादभीता दिग्भा विचुक्रुषु विचुक्रुषु। 32वां। अब नारद जी बोल रहे हैं भगवान सिंह के गर्दन के बालों की फटकार से इतना विशाल और से विग्रह था कि बादल भी छिन्न भिन्न हो गए। कल मैंने बताया ना कालिका पुराण के अनुसार, क्या बताया, मौज मस्ती पूर्वक जीवन यापन करने के लिए संसार बना ही नहीं है। जो सैद्धांतिक व्यक्ति हैं उनको अंतिम सांस तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। एक बार किसी से प्रेरित होकर कल्याण के दिवंगत संपादक, अब कहना पड़ता है, राधेश्याम खेम का प्रयाग माघ महीने में आ गए, सुबह 5 बजे आ जाते थे ढाबा बोल। उन्होंने कहा आप पद छोड़ दीजिए। हमने कहा पद हमने मांगा नहीं, पद हमको ज़बरदस्ती दिया गया। 2 साल तक हम भगते रहे, पकड़ के हमको शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। जब छोड़ना होगा तो आपसे पूछूंगा नहीं, आपके कहने पर छोड़ूंगा नहीं, कूटनीति यहाँ चलेगी नहीं। तो कहा कि संघर्ष बहुत होता है। हमने कहा अगर मैं घोर जंगल में भी चला जाऊंगा, झगड़ालू नहीं हूँ लेकिन सैद्धांतिक हूँ, संघर्ष वहाँ भी आ जाएगा, मेरी शांति की चिंता आप मत कीजिए। क्या भगवान देवता पितर सब अंतर्यामी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है पलने से लेकर अब तक मेरे जीवन का साक्षी हो? भगवान देवता पितर मैं ही साक्षी हूँ, पलने की स्मृति भी अब तक की स्मृति। असैद्धांतिक ढंग से कहीं घुटना टेकना जानता नहीं। तो क्या अर्थ होता है, जहाँ जाऊँगा वहीं कला नहीं करूँगा लेकिन संघर्ष होगा ही। जो मोछ होते थे ना पहले, ऐसे झुका दो ऐसे कर दो। कहते बनियों के मोछ हैं भाई, छतरी वाले मोछ नहीं है, बनियों के मोछ मुझ में क्या लगता। अब छतरियों के मोछ तन गए तो तन गए, बनियों के मोछ अरे क्या कटवा दो, यूँ कर दो, ऊपर मोड़ दो, नीचे मोड़ दो, बीच में मोड़ दो। बनियों के मोछ अलग होते, छतरियों के मोछ अलग होते, ये युद्ध की भाषा। कल मैंने कहा ना, हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है, क्या मनोविज्ञान है। हिरण्यकशिपु समस्या था या नहीं, अब उसको मार डाला नृसिंह भगवान ने, सदगति प्रदान कर दी। अब भगवान नृसिंह तो फिर बने रहे ना शरीर में, वो उछल कूद करने लगे, भाई शेर आएगा तो अपने ढंग से उछलेगा या कूदेगा या नहीं, वो एक समस्या बन गए। समस्या का समाधान कितना भी विवेक पूर्वक किया जाए, भोपाल वाले वो भी एक समस्या है। संसार मौज मस्ती पूर्वक रहने के लिए नहीं बना है। नृसिंह भगवान उछल कूद, 6 बज गया, 6:05, नृसिंह भगवान उछल कूद करने लग गए, वो भी एक समस्या।
उनको नियंत्रित करने के लिए सर्वावतार भगवान ने धारण किया। नृसिंह भगवान को आत्मसात कर लिया। अब वो जो उछल कूद करने लगे वो भी एक समस्या। मौज मस्ती पूर्वक रहने के लिए संसार नहीं बना है। भगवान से बढ़कर सूक्ष्मदर्शी कौन होगा? किसी भी समस्या का समाधान कीजिए, थोड़े समय बाद वो समाधान भी समस्या बन नहीं बनना है। मौज मस्ती पूर्वक चैन की बंसी बजाते हुए सैद्धांतिक व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। हमने कहा था नारी अकल, दैवी संपद संपन्न व्यक्ति आसुरी संपद संपन्न व्यक्तियों की फैक्ट्री होते हैं। असुर जितने होते हैं दैवी संपद संपन्न व्यक्तियों की फैक्ट्री होते हैं। इसका मतलब कोई असुर आ गया तो असुर की आसुरी वृत्ति ही देवताओं दैवी संपद संपन्न व्यक्तियों को उत्पन्न करेगी या नहीं, क्योंकि आसुरी वृत्ति प्रकट किस पर होगी। कोई दैवी संपद संपन्न व्यक्ति आ गया तो विरुद्ध स्थिति में ही तो दैवी संपद की अभिव्यक्ति होगी। हर दैवी संपद व्यक्ति आसुरी संपद व्यक्ति को जन्म देने वाला होता है। हर असुर दैवी संपद संपन्न व्यक्ति को जन्म देने वाला होता है। इसलिए गीता का 16वां अध्याय, जब तक सृष्टि रहेगी दोनों प्रकार के बंदे रहेंगे। अगर कोई असुर है तो अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग किस पे करेगा? तो दैवी संपद संपन्न व्यक्ति को प्रकट करेगा ही। वो कोई दैवी संपद संपन्न व्यक्ति है तो उसके धैर्य उसकी सत्यनिष्ठा कहाँ प्रकट होगी, जब तक आसुरी संपद संपन्न व्यक्ति ना हो। एक दूसरे के पूरक हैं। और नायक कौन होता है? कई बार हमने बताया, बृहस्पति जी और शुक्राचार्य, असुरों में वो क्षमता नहीं होती कि अपने खेमे का नेतृत्व का वहन कर सके, क्योंकि असुरों की पोल पट्टी गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने खोल दी। आजकल दो चार दिनों से मेरा ध्यान कभी कभी उसी पर जाता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः, असुरों का लक्षण क्या होता है? जीवन में या तो प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति, लेकिन असुरों का लक्षण न वो प्रवृत्ति को जानते हैं न निवृत्ति को। और दैवी संपद संपन्न व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का विशेषज्ञ होता है। तो असुरों में अपने नेतृत्व की क्षमता नहीं होती, कोई न कोई दैवी संपद संपन्न व्यक्ति ही उनका नेता होता है, जैसे शुक्राचार्य। और देवताओं का नेतृत्व बृहस्पति जी के हाथ में है। और दोनों में शत्रुता नहीं है, ऊपर से बानक है बस। एक बार शुक्राचार्य गए तप करने, बृहस्पति जी को अवसर मिल गया तप करने के लिए, मानो चले गए 100 वर्ष के लिए। लेकिन बीच में बृहस्पति जी ने क्या किया, शुक्राचार्य का रूप धारण कर लिया योग बल से, और देव असुरों के बीच में आकर कहा, थोड़े समय में मुझे सिद्धि मिल गई, मैं सिद्ध होकर आ गया हूँ। अब असुरों को राक्षसों को मालूम नहीं कि ये तो बृहस्पति हैं। शुक्राचार्य बल करके वहाँ योग बल से पूजने लगे, असली शुक्राचार्य तप करके आए। तो उन्होंने कहा, ये कोई नकली आ गया ढोंगी, भरो इसको, भगाओ। असली शुक्राचार्य को धक्का मार मार के उनके ये लिखा है शास्त्र में, मैं कल्पना करके नहीं बोल रहा हूँ, असली शुक्राचार्य जो तप करके आए उनको उन्हीं के चेहरे चपाटियों ने मार मार के भगाया। और वो कहे, मैं असली हूँ। वो कहे, देखो ये ढोंगी आ गया, कोई भूत प्रेत है कोई, या शुक्राचार्य बन के आ गया। असली शुक्राचार्य को धक्का मारा, और नकली शुक्राचार्य जो थे बृहस्पति वहाँ भी पूज रहे थे। तो यजमान है ना भाई, यजमान आ से खिसक न पावे क्या। एक बार व्यस्त थे कौन, युधिष्ठिर, कौन, वशिष्ठ जी। कोई रघुवंशी राजा यज्ञ करना चाहता तो उन्होंने कहा, भी आजकल की भाषा में बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, थोड़े समय बाद। और राजा को हुआ, कब तक प्रतीक्षा करूँ?
अब उन्होंने विश्वामित्र उस समय ब्राह्मण बन के आ गए आचार्य। अब बड़ा ये कैसे भाई हमारा यजमान चला जाएगा, कहीं सही होगा? यजमान तो यजमान, यहीं की बात है, इसी पूरी की बात है। एक दामाद और एक ससुर आए मेरे पास, यहाँ के नहीं कहीं, यहीं पंडो के। उन्होंने कहा महाराज वो दामाद है मेरा, अपनी जगह है, वो भी पंडा है, मैं भी पंडा हूँ, मेरे यजमान को अपने घर ले गया, मैं सह सकता हूँ भला? दामाद और ससुर लड़ गए थे यहीं पर बात। उन्होंने कहा दामाद है, बेटी अपनी जगह है, बेटी फले फूले सौभाग्यवती रहे। अब दामाद ने दुष्टता ये कि हमारे यजमान को ले गया, हम उसके घर जाकर अपने यजमान को छुड़ा के ले आए अपने घर। यहाँ पर दामाद दामाद नहीं, ससुर ससुर नहीं, दामाद के यजमान को ससुर ले जाए दामाद नहीं सहेगा, ससुर के यजमान को दामाद ले जाए ससुर नहीं सहेगा। यहाँ महाराज दामाद नहीं, यहाँ जो यजमानी की बात है। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात, तो दामाद भी हंस रहा था, ससुर भी हंस रहे थे। दामाद ने कहा हम तो महाराज अपना क्या है, ससुर के यजमान को ले लिया। ससुर ने कहा यहाँ दामाद ससुर का बेस नहीं, हमारे यजमान को तुम नहीं ले सकते। ऐसे ही बृहस्पति जी भी हैं, शुक्राचार्य भी हैं, सार क्या निकला? असुरों का नेतृत्व भी दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के हाथ में ही होता है। क्यों होता है? असुरों की पोल पट्टी खोल दी भगवान ने, प्रवृत्तिम से निवृत्तिम से जनानम विदुरासुराः। जो असुर होते हैं वो प्रवृत्ति निवृत्ति को जानते नहीं, कब आगे बढ़ें कब पीछे हटें, कब युद्ध के मोर्चे पर चीन को छकाने वाला भारत का कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ। चीन हमेशा छका रहा, ऐसा कूटनीति कि कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय से अब तक नहीं हुआ, चीन की हरकत को समझ कर अंकुश ठीक से लगा सके। वो प्रवृत्ति निवृत्ति, हाँ युद्ध की विद्या में चीन छकाने में बहुत निपुण है, कूटनीति भारत की कमजोर है। अमेरिका भी चीन की कूटनीति के सामने डमाडोल हो जाता, कूटनीति चीन की बहुत विचित्र है। हमने संकेत किया कब प्रवृत्ति कब निवृत्ति और कब समझौता समझौता पर पानी कब फेर दे कुछ पता नहीं। इसलिए यहाँ पर संकेत किया गया, क्या संकेत किया गया कि जो शुक्राचार्य हैं उनकी भी उपयोगिता है, बृहस्पति की भी उपयोगिता है, आसुरी संपद का नेतृत्व भी दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के हाथ में होता है। क्यों? असुर अगर दैवी संपद संपन्न व्यक्ति के नेतृत्व में कार्य नहीं करेंगे असमय में ही विश्व को खा जाएंगे। दैवी संपद संपन्न व्यक्ति भी विश्व के लिए चाहिए, आसुरी संपद संपन्न चाहिए। आसुरी संपद संपन्न व्यक्ति नहीं होंगे तो दैवी संपद संपन्न व्यक्ति की निष्ठा किसके आधार पर व्यक्त होगी? असुरी जो हैं वही दैवी संपद संपन्न व्यक्ति की निष्ठा के अभिव्यंजक हैं। इसलिए दैवी संपद संपन्न व्यक्ति हैं तो असुर जरूर होंगे। दैवी संपद संपन्न व्यक्ति ही असुरों को जन्म देते हैं। क्यों जन्म देते हैं? विरुद्ध परिस्थिति उत्पन्न करने पर ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। श्री राम जय जय राम, हर हर